नमस्कार दोस्तों, हेल्थ टेक चैनल पे आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम आपको लिवोरेट डीएस सिरप के बारे में जानकारी देंगे। फ्रेंड्स, इस वीडियो में जानेंगे कि सिरप का इस्तेमाल किन किन समस्याओं में किया जाता है, इसको कैसे इस्तेमाल करना है, इसके डोज के बारे में, इसकी मार्केट प्राइस, कंपोजिशन और साइड इफ़ेक्ट, इन सब के बारे में पूरी जानकारी देंगे। तो फ्रेंड्स, कृपया वीडियो को पूरी देखें ताकि आपको लिवोरेट डीएस सिरप के बारे में अच्छी तरह से जानकारी मिल सके। तो फ्रेंड्स, लिवोरेट डीएस सिरप इसके मार्केट प्राइस की बात करें तो 110 रुपये इसकी मार्केट प्राइस है और 200 ml की पैकिंग में ये आता है। और फ्रेंड्स, इसके कंपनी की बात करें तो इसको थेमिस फार्मास्यूटिकल कंपनी के द्वारा इसकी मार्केटिंग होती है। तो फ्रेंड्स, आपको हर एक मेडिकल स्टोर पर बहुत ही आसानी से मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, आइए जानते हैं इसके फ़ायदे के बारे में। तो फ्रेंड्स, लिवोरेट डीएस एक बहुत ही बेहतरीन आयुर्वेदिक औषधि है। इसका इस्तेमाल लीवर से संबंधित समस्याओं को ठीक करने के लिए किया जाता है। ये बहुत ही बेहतरीन लीवर टॉनिक है। फ्रेंड्स, किसी भी कारण से लीवर में अगर कोई समस्या आ गई हो, इन्फेक्शन हो गया हो, या भूख नहीं लग रही हो, या लीवर में सूजन हो गया हो, तो इन सब को ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। फ्रेंड्स, लीवर के लिए यह बहुत ही फायदेमंद है। फ्रेंड्स, जब लीवर कमज़ोर हो जाता है तो भूख अच्छी तरह से नहीं लगती है और जो भी खाते पीते हैं वो शरीर में नहीं लगता है। तो फ्रेंड्स, इस सिरप के इस्तेमाल करने से भूख अच्छी तरह से लगती है और जो भी खाएंगे वो शरीर में अच्छी तरह से लगेगा, जिससे कि कमज़ोरी दूर होगी और भोजन भी अच्छी तरह से पचेगा, जो भी खाएं पिएंगे वो शरीर में लगेगा। तो फ्रेंड्स, ये लीवर के लिए बहुत ही फायदेमंद है। तो फ्रेंड्स, आइए जान लेते हैं इसमें कौन कौन सी औषधियाँ मिलाई गई हैं। तो फ्रेंड्स, ये डबल स्ट्रेंथ में होता है। तो इसके कंपोजिशन की बात करें तो इसमें प्रत्येक 10 ml में फ्रेंड्स, सर्प नखा जो कि 250 mg, भृंगराज 375 mg, बड़ी हरद 375 mg, पुनर्नवा जो कि 300 mg में होता है, चित्रक 300 mg, रक्त अरोहिडा जो कि 450 mg और कालमेघ 450 mg, नवसादर जो कि 75 mg और घी कुनवा जो कि 750 mg में होता है। तो फ्रेंड्स, ये बहुत ही बेहतरीन आयुर्वेदिक औषधि है जो कि हमारे लीवर को मजबूत बनाती है और भूख भी अच्छी तरह से लगती है। तो फ्रेंड्स, आइए जान लेते हैं इसके डोज के बारे में। तो इसको एक एडल्ट व्यक्ति जो कि 5 से 10 ml दिन में 2 से 3 बार ले सकते हैं खाना खाने के बाद, या फ्रेंड्स अपने डॉक्टर के परामर्श के अनुसार। इसको लेने से पहले अपने डॉक्टर से परामर्श ज़रूर ले लें, तभी इसका इस्तेमाल करें। और आइए फ्रेंड्स जान लेते हैं लिवोरेट डीएस सिरप के साइड इफ़ेक्ट के बारे में। तो फ्रेंड्स, ये बिल्कुल ही आयुर्वेदिक औषधि है, इसके साइड इफ़ेक्ट नहीं होते हैं। अगर इसको ओवरडोज न लिया जाए तो इसके कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं होते हैं। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की जानकारी लिवोरेट डीएस सिरप के बारे में। आशा करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, साथ में बेल आइकन को भी दबा लें ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और दवाओं के बारे में जानकारी मिलती रहे।